कैसे हो आप लोग? आई नो ये कैरी भाई का डायलॉग हो गया, बट खैर कर भी क्या सकते हैं, हमारे कैरी भाई हर जगह पर इतने छाए हुए हैं कि फ्लो फ्लो में निकल जाता है। तो आई होप आप सब लोग सही होंगे बहुत ही ज्यादा। बट इस क्वारंटीन की वजह से मेरा हाल बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुका है, इतना आलसी हो चुका हूं मैं कि क्या बताऊं दोस्तों, कुछ करने का मन ही नहीं करता। बट फिर भी आपके लिए वीडियोस तो बनाना पड़ता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियो पर बहुत ही ज्यादा कमेंट्स किए थे, डिमांड किए थे कि हमें ऐसा एक वीडियो फोटो एडिटिंग के ऊपर चाहिए जो कि था टॉप 5 वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन। तो इसीलिए आपका हुक्म सरा पर लेके आया हूं मैं टॉप 5 फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन, जिससे कि आप बहुत ही बढ़िया फोटो एडिटिंग कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया टेक्स्ट इफेक्ट अपने फोटोज पर, स्टिकर वगैरह जो लगाते हैं आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, बहुत ही फीमेल मेल जो बॉयज एंड गर्ल्स यूज करते हैं जो कि बहुत ही ऑसम लगते हैं उनके फोटोज। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे यार ये इतना अच्छा फोटो कैसे कर पाते एडिट वगैरह, सो आज आपको सारे चीजें पता चल जाएगा। और उसी के साथ ही थंबनेल से लेकर कलर ग्रेडिंग, अच्छे अच्छे स्पेशल इफेक्ट वगैरह कैसे यूज करते हैं, सारे के सारे एप्लीकेशन में आपको दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और उसी के साथ ही दो एक्स्ट्रा बोनस एप्लीकेशन भी दिखाने वाला हूं जो कि मैं बहुत ही ज्यादा यूज करता हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। सो वही चलिए मैं आपको ये टॉप 5 फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के साथ मुलाकात कराता हूं, ताकि आप भी बहुत ही अच्छे खासे फोटोज को एडिट कर पाए। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन की हम बात करेंगे उसका नाम है VSCO, वेस्को VSCO, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें वही है। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको मैंने 5 नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि आप इसमें बहुत सारे फिल्टर वगैरह यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो टन्स ऑफ फिल्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको अगर एक क्लिक में बहुत ही बढ़िया फोटो को एडिट करना है, बहुत सारे टन्स ऑफ फिल्टर वगैरह यूज करना है विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी प्रीसेट, या आपको झंझट वगैरह नहीं करना है, शेयर कर नहीं करना है सेटिंग में, तो आप इसमें यूज कर सकते हो, बहुत ही सारे फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है। आप इसको काइंड ऑफ लाइटरूम की तरह यूज कर सकते हो, बट में जितने फिल्टर देखने को मिलते हैं उतने आपको लाइटरूम में देखने को नहीं मिलते। हर एक फोटो के लिए आपका बेस्ट, आपको यहाँ पर 3-4 बेस्ट जो फिल्टर होते हैं वो चूज करके देता है खुद ही ये एप्लीकेशन। उन फिल्टर्स की इंटेंसिटी को आप कम या ज्यादा कर सकते हो। उसी के साथ ही आपको अगर एक्स्ट्रा सेटिंग में छेड़खाड़ करना है फोटोज में, तो उसका भी सारे सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सैचुरेशन से लेकर ह्यू वगैरह, आपका टेम्परेचर, ब्राइटनेस, क्रॉप, शार्पनेस जितने भी होते हैं सारे के सारे यहाँ पर है। और उसी के साथ ही एक खास फीचर है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है इसका ग्रेन वाला जो इफेक्ट है, ये इस एप्लीकेशन में मतलब स्पेशली बहुत ही खास लगता है कंपेयर टू अदर एप्लीकेशन। बाकी सारे एप्लीकेशन आप अगर ग्रेन का यूज करते हो तो उतना मजा नहीं आता जितना कि इसमें आता है। तो हाँ डेफिनेटली इस एप्लीकेशन का यूज करना मत भूलना। और हमारे जो 4th नंबर पे एप्लीकेशन है उसका नाम है Enlight Pixel Loop। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, ये एक तरफ से आप इसको मतलब आफ्टर इफेक्ट्स बोल सकते हो, मतलब आप अपने स्टिल फोटो को मोशन वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे फोटोज को देखा होगा फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर, मतलब कोई भी चाय पकड़ा हुआ है, चाय के ऊपर से मतलब भाप निकल रहे, वो मूविंग भाप निकल रहे, वीडियो टाइप ऑफ काइंड ऑफ वीडियो होता है, बैकग्राउंड में बहुत ही रोमांटिक गाना चला हुआ रहता है, एंड कपल्स मतलब रोमांस कर रहे हैं स्टिल फोटो में, और ऊपर से पत्ते वगैरह गिर रहे हैं, आसमान चमक रहा है, बिजली वगैरह चमक रहा है, बहुत सारी चीजें हो रहा है फोटो में, तो बहुत ही कूल लगते हैं। उस तरह के फोटो को आप इस एप्लीकेशन से बना सकते हो। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हजारों इफेक्ट देखने को मिल जाता है, हजारों फिल्टर देखने को मिल जाता है, हजारों ओवरले देखने को मिल जाता है, मतलब आप एक क्लिक में अपने स्काई को चेंज कर सकते हो, बहुत सारे स्काई है यहाँ पर, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है। और उसी के साथ इस एप्लीकेशन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपने आप आपका जो स्काई होता है सिर्फ स्काई वाला पोर्शन को रिमूव करके दूसरा स्काई यहाँ पर लगा देता है, बहुत ही बढ़िया है। और उसके साथ यहाँ पर आपको कोई भी मतलब एलिमेंट को यूज करना है, जैसे कि बिजली वगैरह चमक रहा है, पत्ते वगैरह गिर रहा है, उसको भी आप एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हो, और वो भी आपका जो बॉडी पार्ट होता है उसको मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो उसको अनसिलेक्ट कर देता है, वहां पर आपके बॉडी के ऊपर वो नहीं आता है, मतलब बहुत ही बढ़िया है जो पोर्ट्रेट इफेक्ट वगैरह में होता है। और जो पोर्शन आपका फोटो में है उसको आप वीडियो में कन्वर्ट नहीं करना चाहते पर्टिकुलर पोर्शन को, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, तो उसको आप अनफ्रीज कर सकते हो सिलेक्ट करके, देन आप फोटो में जो वाले पार्ट को मूव करना चाहते हो जिस डायरेक्शन पर, तो वहां पर आपको सिंपली पाथ वाला जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ आता है वहां पर पकड़ के आपको ड्रैग कर देना है उस डायरेक्शन पर जिस डायरेक्शन पर आप मूव करना चाहते हो, और सिंपली आपका काम हो गया, वो मूविंग ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा या मूविंग वीडियो में बदल जाएगा। तो हाँ आप भी ये एप्लीकेशन Enlight Pixel Loop को यूज करना मत भूलना। सारे एप्लीकेशन जो मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो पर फोटो एडिटिंग के लिए, सारे एप्लीकेशन के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो चेकआउट करना मत भूलना। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। नेक्स्ट और 3rd एप्लीकेशन की ओर, जिसका नाम है पॉलिश या फोटो एडिटर प्रो।
आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये एप्लीकेशन के बारे में पता होगा। ज्यादातर लड़कियां जो होते हैं वो मैंने देखा ये एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, लड़के भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट यूज करने का मतलब फीचर देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप अपने फोटोज पर जो होते हैं ना इमोजीज वगैरह पीछे लगाना चाहते हो बैकग्राउंड पर, यहाँ पर आप बहुत सारे इफेक्ट को यूज कर सकते हो। और ये भी एप्लीकेशन सेम प्रीवियस एप्लीकेशन की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपका जो बॉडी होता है फेस होता है उसको सिलेक्ट कर लेता है। और आप अगर कोई भी लाइट इफेक्ट या नियोन इफेक्ट वगैरह लगाते हो तो यहाँ पर आपका बॉडी को अनमार्क करना नहीं होता जैसा कि प्रोफेशनल एप्लीकेशन में करना होता है आपको मैनुअली, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं होता। सिंपली कोई सा भी लाइट वगैरह आप ले लीजिए और आप डाल दीजिए आपके ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, आपके फेस के ऊपर, और ये वो डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हो आपने इस तरह के इफेक्ट स्नैपचैट पर बहुत सारे देखे होंगे जो मतलब इमोजी वगैरह होते हैं सिर के ऊपर लगाते हैं लड़कियां, लड़के लोग लगाते हैं बहुत ज्यादा क्यूट बनने के लिए। बट लगते हैं हम तो उतना क्यूट नहीं लगते हैं, बट जो लोग यूज करते हैं उनको बहुत ज्यादा वो सूट करता है। मेरी बात नहीं कर रहा ध्यान रखना, तो जो लोग यूज करते हैं तो आप भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे इमोजी वगैरह पीछे लाइट लीक्स वगैरह लाइट इफेक्ट बहुत सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। और उसी के साथ ही यहाँ पर आपको फोटो में टेक्स्ट ऐड करने का फीचर मिलता है और वो टेक्स्ट जो होता है उसको आप स्नैपचैट का जो टेक्स्ट होता है बीच में जो लेवल टाइप का होता है बैकग्राउंड इफेक्ट के साथ उस टाइप का आप लगा सकते हो अपना टेक्स्ट इफेक्ट। और उसी के साथ ही व्हाइट अगर बैकग्राउंड लगाना हो मतलब एक्सपेक्ट रेशियो जो होता है इंस्टाग्राम का उसके साथ मैच करना हो तो तब भी आप कर सकते हो। यहाँ पर सारे चीजें अवेलेबल है और उसी के साथ ही यूट्यूब के इंस्टाग्राम के टेम्पलेट वगैरह भी लगा सकते हो। मतलब आपका फोटो ऐसा लगा कि इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं लोग, तो मतलब बहुत सारे इफेक्ट वगैरह आप यूज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस एप्लीकेशन का ये लगा कि इसमें बिल्ट इन ग्लिच इफेक्ट वगैरह जो होते हो जो कि बहुत ही ऑसम लगते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। बिल्ट इन आपका जो ग्रेन इफेक्ट वगैरह होते हैं हार्श इफेक्ट जो होते हैं मतलब फोटो का एस्थेटिक बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब अर्बन लुक देने के लिए जैसा कि होता है तो उस टाइप का बना सकते हो, बहुत सारे क्रिएटिविटी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको इसके सारे फीचर वगैरह नहीं बता सकता वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बस बता रहा हूं बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही बॉम एप्लीकेशन है फोटो एडिट करने के लिए, आपको फोटो का एस्थेटिक बनाने के लिए। तो डेफिनेटली चेकआउट करना, आप अगर इसके अंदर जाओगे यूज करोगे तो आपको बहुत सारे नए नए चीजें आप डिस्कवर कर पाओगे इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो डेफिनेटली चेकआउट करना मत बोलना। भैया जी दिक्कत के लिए खैर है, हम यहाँ पर आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त लेके आए हैं। हाँ घबराइए मत, हम यहाँ पर YouTube वर्सेस TikTok की बात नहीं करेंगे, वो तो हमारे कैरी भैया ने अच्छे से ले ली उनकी, हालांकि उनका वीडियो अभी डाउन है। हम और आप अगर ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहे तो कैरी का वीडियो जल्दी वापस आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बात था वो है कि हम यहाँ पर आए कि आपको बोलने के लिए कि ये वाला जो वीडियो है आप शेयर कर दीजिएगा। पिछली बार साइफर भाई ने बोला था पिछले वाले वीडियो पर आपने मिलियन पहुँचा दे, इस बार तो उतने क्यों बात नहीं करेंगे क्योंकि औकात अनुसार बात करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि आप हाफ मिलियन या पौने हाफ मिलियन तो बनता है, तो आप शेयर कर दीजिएगा। और उसी के साथ ही चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे साइफर भैया के चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के राइट साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आप इस तरह के वीडियोस और देख पाए। हालांकि हम साइफर भाई है बस थोड़ा सा कैरेक्टर के अंदर ज्यादा घुस गई, आप बताइएगा कैसा लगा ये वाला पार्ट। मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्रिंजी हुआ होगा, बट खैर छोड़िए हम अभी चलते हैं, हम और भी काम कर रहे हैं। आप बताइएगा ये वाला पार्ट कैसा लगा, एंड साइफर भाई जो बता रहे थे एप्लीकेशन के बारे में वो देखते रहिएगा। तो अभी हम चलते हैं, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और सेकंड नंबर के एप्लीकेशन की ओर जिसका नाम है स्नैपसीड। हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज किया होगा बहुत सारे सिनेरियस पर, बहुत सारे फोटो एडिट करने के टाइम पर, बट इसमें कुछ हिडन फीचर्स भी है जिनका आपने अभी तक शायद से यूज नहीं किया होगा, तो उनके बारे में भी बताने वाला हूं। और इसी वजह से मैंने इस एप्लीकेशन को सेकंड पोजीशन पर रखा है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा यूज करता हूं इस एप्लीकेशन को, किसी भी पर्टिकुलर स्पॉट को वहां पर आपका उसका ब्राइटनेस सैचुरेशन कंट्रास्ट स्ट्रक्चर वगैरह अगर कम ज्यादा करना हो तो आप कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर जगह पर सिलेक्ट करके। और उसी के साथ ही आपने अगर कोई सा भी इफेक्ट या कोई सा भी फिल्टर यूज किया मतलब जो भी यूज किया है इस एप्लीकेशन पर तो उसका आप अंडू वाले सेक्शन पर जाकर वहां पर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा जहां पर जाके आप स्पेसिफिक पोर्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कहां पर आपका इफेक्ट अप्लाई होना चाहिए और कहां पर नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है इस एप्लीकेशन का, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और उसी के साथ ही डबल एक्सपोजर जैसे इफेक्ट को भी आप यूज कर सकते हो, एंड आपको अगर मान लो कोई सा भी अनवांटेड पोर्शन फोटो में आ गया, अनवांटेड पीपल या कोई भी मतलब सब्जेक्ट वगैरह आ चुका आपके फोटो पर तो उसको अगर हटाना चाहो तो फोटोशॉप जैसे हीलिंग करना चाहते हो तो उसका भी फीचर मिलता है। यहाँ पर आपको एक मिलता है हीलिंग जहां पर आपको सिंपली कोई सा भी पार्ट जैसे कि इस फोटो में देख सकते हो, तो मैं वैट को सिर्फ यहाँ पर टच कर रहा हूँ, ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ और वो वाला पार्ट कंप्लीटली रिमूव हो रहा है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन जैसे कि देख सकते हो। इसको आप अगर अच्छे से करोगे तो लाइक फोटोशॉप जैसा एडिट होगा यहाँ पर, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत स्नैरिस पर काम करता है, एंड आपके फोटोज के
पर्सपेक्टिव को आप चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से करेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद जो फोटो होता है वो यहाँ पर क्रॉप नहीं होता है, जैसे कि आपका लाइट रूम में होता है क्रॉप हो जाता है, आप अगर पर्सपेक्टिव को चेंज करते हो तो यहाँ पर नहीं होता है। एंड इसका जो टेक्स्ट ऐड करने का सेक्शन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाता है, उनमें से एक मेरा फेवरेट है जैसे कि अभी आप देख सकते हो, तो इस टेम्पलेट को मैं बहुत ही ज्यादा यूज किया हूँ। आप देख सकते हो मेरे जो मोस्ट व्यूड वीडियो है उसमें भी मैं इस एप्लीकेशन का यूज किया था, उस वीडियो को थंबनेल को बनाने के लिए इस टेम्पलेट को यूज किया था, जैसे कि देख सकते हो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है। बहुत सारे बाहर के यूट्यूबर भी इस टेम्पलेट को यूज करते हैं, तो आप भी यूज कर सकते हो अपने थंबनेल वगैरह को बहुत ही कूल बनाने के लिए। तो हाँ, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है ये स्नैपसेट, डेफिनेटली इसको चेकआउट करना मत भूलना। अभी चलिए आगे बढ़ते हुए नंबर वन, नन अदर देन मेरे दिल के करीब, मेरे पर्सनल फेवरेट एप्लीकेशन जिसके बिना मेरा एडिटिंग होता ही नहीं है। सबसे पहले जो फोटो जिस एप्लीकेशन में घुसता है एडिटिंग करने के लिए, जिस एप्लीकेशन पे इंपोर्ट होता है, वो है हमारा Lightroom। हाँ जी दोस्तों, Lightroom आप में से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, मैं भी यूज करता हूँ। मतलब वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, मतलब मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए एडिट करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। बट यहाँ पर मैं आपको दो टिप देना चाहूंगा जो कि मोस्ट यूजफुल एंड इफेक्टिव होंगे। इस दो टिप को अगर आप यूज कर ले तो अपने फोटो एडिट पर Lightroom पे, तो आपका फोटो बहुत ही कूल लगेगा, अदरवाइज एमेच्योर लगेगा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी Lightroom जैसे एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन हमारे हाथ में लग जाता है, मैंने भी ऐसा किया था पहले टाइम पे जब बिगिनर था, तो क्या करता था, किसी भी फोटो को लिया, उसका व्हाइट बैलेंस, हाईलाइट ठीक है कि नहीं, मतलब करेक्ट है कि नहीं, वो बिना देखे मैं क्या करता था, सैचुरेशन को मतलब खींच दो पूरा, वाइब्रेंस को खींच दो पूरा, कंट्रास्ट को खींच दो पूरा, मतलब जो होता है ना, मतलब छपरी एडिट बहुत सारे लोग करते वो करते थे, और कलर वाले सेक्शन पर जाकर जो स्काई होते हैं, स्काई का रंग पूरा ब्लू कर दिया, शर्ट का रंग पूरा चेंज कर दिया, ये वो, मतलब जो छपरी एडिट होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे भी चलते हैं ऐसे फोटोज, मतलब बिगिनर जो होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा छपरी एडिट करते हैं। अभी अगर उन फोटोज को देखता हूं, मैं खुद से जो एडिट किया था, मतलब इतना हंसी आती है, मतलब इतना ज्यादा एमेच्योर था, क्या ही बताऊं। तो आप डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखना कि जितना सैचुरेशन चाहिए होता है उतना ही डालना, ये नहीं कि जबरदस्ती खींच दे रहे हो, ये नहीं कि जबरदस्ती अपने स्काई का रंग पीला कर रहे हो, ब्लू कर रहे हो, ज्यादातर ब्लू ही करते हैं, वो मत करना, जो जिस फोटो में फिट बैठता है वो करना। हां, ये कोई एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, यहां पर सिर्फ मैं टॉप 5 एप्लीकेशन को दिखा रहा हूं, शोकेस कर रहा हूं। अदरवाइज आपको अगर स्पेसिफिक ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए Lightroom के ऊपर, तो आप कमेंट कर देना, उसका भी वीडियो मैं ला दूंगा। एंड यहाँ पर सेकंड जो थिंग है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप फोटोज को देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बहुत सारे फोटोज को एडिट किया था, आफ्टर एंड बिफोर देख सकते हो, इनके जो सेटिंग है आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पूरा तो नहीं दिखा सकता बोल के कि ऐसा किया जाता, वरना वो वीडियो अलग टॉपिक पर चला जाएगा। हालांकि अभी आप देख सकते हो सेटिंग वगैरह अभी कैसा है, हर एक फोटो के लिए अलग अलग सेटिंग होते हैं, आपको जो कर्व लाइन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है आपके फोटोज को अच्छा दिखाने के लिए, एंड व्हाइट बैलेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके फोटोज को मतलब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, एंड हाईलाइट वगैरह का ध्यान रखना है। और जो सेकंड बात मैं करने जा रहा था कि Lightroom का, वो है इसका जो नॉइस रिडक्शन वाला फीचर। आपने देखा होगा मेरा जो सेल्फी वगैरह होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब यूनिक होते हैं, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मोबाइल फोन से खींचा गया है। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पर जब मैं स्टोरी वगैरह डालता हूँ, बाय द वे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना स्टोरीज वगैरह को देखने के लिए, जहां पर मैं स्टोरीज वगैरह डालता हूँ, सेल्फी वगैरह क्लिक करते, लोग बोलते हैं कि भाई कौन सा फोन से क्लिक किया, इतना मतलब इतना स्मूथ स्किन कैसे आता है तेरा। उसके लिए आपको यहाँ पर एक फीचर मिलता है जो कि नॉइस रिडक्शन, तो इसको आपको जितना चाहिए होता है, ये नहीं कि पूरा खींच दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, जितना चाहिए होता है उतना सा ही खींच देना है, या पर 10-20-30% जितना चाहिए उसके हिसाब से आप कर दीजिएगा इसको इंक्रीज थोड़ा सा, और उसके बाद आपका फोटो जो होगा, आपके फोटो का जो क्लैरिटी वगैरह होता है वो बरकरार रहेगा, और उसके ऊपर से आपका फोटो को थोड़ा सा स्मूथ कर देगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। ये नहीं कि वीवो ओप्पो की तरह मतलब आपके फेस से पिंपल हटा ही दिया, पूरा दाढ़ी मूंछ पूरा हटा ही दिया, लड़के से लड़की बना दिया, ऐसा नहीं करता है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब ग्लो डाल देता है आपके फेस में, स्मूथनेस डाल देता है, और उसके साथ आप शार्पनेस को भी मेंटेन करके रख सकते हो, जो कि इसका नॉइस रिडक्शन वाला फीचर यहाँ पर जो इफेक्ट वाले सेक्शन पे आता है, तो इसको भी आप डेफिनेटली चेकआउट करना। तो जो मैंने आपको बात बताया Lightroom का, इन बातों का आप अगर ख्याल रख के अच्छे से एडिट वगैरह करोगे तो आपके फोटोज माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया एडिट होके आएंगे। अदरवाइज आपको अगर ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए फोटो एडिटिंग के ऊपर कैसे एडिट किया जाता है, तो आपका भाई है ना आपका भाई, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा, या आपको अगर प्रीसेट वगैरह भी चाहिए तो मैं खुद से प्रीसेट बनाकर भी डाल दूंगा। सो हाँ, डेफिनेटली कमेंट कर देना। ओ
और अभी है बोनस टाइम। हाँ जी दोस्तों, जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, लास्ट तक देखा है, उनके लिए दो बोनस एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा लाया हूँ। जो कि फर्स्ट में बोलना चाहूंगा मैं, वो है पिक्सल लैब। हाँ जी दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है ये वन ऑफ द माई फेवरेट एप्लीकेशन है, जहाँ पर मैं अपने फोटो एडिटिंग का जो लिस्ट है, कलेक्शन है, वहाँ पर रखना चाहूंगा एप्लीकेशन पर, क्योंकि इसके थ्रू मैं बहुत ही सारे थंबनेल वगैरह बना चुका हूँ मेरे यूट्यूब वीडियोज के। तो आप भी अगर अपने यूट्यूब वीडियो का थंबनेल वगैरह बनाना चाहते हो या क्रिएटिविटी प्रोडक्टिव वर्क करना चाहते हो, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम पे भी हो गया, कोई भी चीजों के प्रमोशन कर रहे हो आप इंस्टाग्राम पर या अपने यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो, तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है जिसका नाम है पिक्सल ऐप। यहाँ पर आपको बहुत सारे मतलब फॉन्ट का जो होता है, मतलब आप टेक्स्ट जो ऐड करते हो अपने फोटोज पर, अनगिनत फीचर और अनगिनत ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बहुत ही बॉम एप्लीकेशन है, डेफिनेटली चेकआउट करना। एंड लास्ट में जो एप्लीकेशन है वो वन ऑफ द माई फेवरेट एंड मेरे दिल के करीब एप्लीकेशन है, उसके बिना तो मेरा फोटो एडिट नहीं होता है दोस्तों। बहुत ही पुराना एप्लीकेशन है, मैंने इस एप्लीकेशन को मेरे पुराने वीडियोस पर भी दिखा चुका हूं। आप अगर मेरे पुराने यूजर नहीं हो तो आपको पता नहीं होगा, जिसका नाम है लेंस डिस्टॉर्शन। हाँ जी दोस्तों, बारिश आ गई लगता है, सुनाई दे रहा है क्या आपको साउंड? खैर छोड़िए इसको, बाहर बारिश हो रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसका नाम है लेंस डिस्टॉर्शन। तो इसमें आपको मतलब मेरे फेवरेट लाइट लीक्स जो होते हैं, आप फोटो में ऐड करना चाहते हो अगर लाइट लीक्स, तो यहाँ पर मिल जाएंगे। फोटो में अगर आप फॉग के इफेक्ट, रेन के इफेक्ट, धुएं का इफेक्ट, स्मोक का इफेक्ट अगर लगाना चाहते हो और उसके साथ ही अलग अलग लाइट लीक्स को ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। बट तो आप बोल सकते हो कि ऐसे लाइट लीक्स और ऐसे इफेक्ट तो हमें दूसरे एप्लीकेशन में मिल जाता है, हम इसको यूज क्यों करें? तो मैं आपको बोलना चाहूंगा इसके एक ही आंसर है कि इसका जो इफेक्ट का जो क्वालिटी है वो किसी भी एप्लीकेशन के साथ मैच नहीं करता, और हर एक एप्लीकेशन का एक खास फीचर होता है, खास खूबियां होता है जो किसी एप्लीकेशन में है। तो आप अगर लाइट लीक्स वगैरह को यूज करना चाहते हो अपने फोटोज पर, अलग अलग इफेक्ट वगैरह करना चाहते स्मोक वगैरह के, तो यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आपको लिमिटलेस ऑप्शन मिलता है हर एक लाइट लिक्स को, हर एक इफेक्ट को ट्विक करने का, उसके सैचुरेशन, उसका कलर इफेक्ट, उसका इंटेंसिटी, उसका ओपेसिटी, सारे के सारे यहाँ पर मिल जाता है। तो डेफिनेटली यूज करना मत भूलना लेंस डिस्टॉर्शन। मैं तो लगभग हर एक फोटो में, मेरा थंबनेल हो गया, मेरा खुद का फोटो हो गया, सारे फोटो में 80-90% फोटोज में यूज करता हूं। हां मैं जबरदस्ती नहीं घुसाता हूं, जिस फोटो में जरूरत होता है उस फोटो में यूज कर लेता हूं, और बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही बॉम्ब रिजल्ट आता है, आप देख लीजिए।